हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। एक सवाल जो शायद आपके भी मन में आता होगा, जो कि टैली प्राइम से है। अब ये सवाल क्या है, आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले तो टैली प्राइम को हम ओपन करेंगे, तो यहाँ पर ये टैली प्राइम ओपन है। आप किसी भी, देखिए यहाँ पर बहुत सारी कंपनियाँ बनी हुई हैं, आप किसी भी कंपनी में इन हो जाइए। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एक कंपनी में इन हो जाता हूँ, जैसे ये डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट नाम से कंपनी है। अब सवाल ये है कि यहाँ पर अगर हमें पता करना है कि स्टॉक हमारा क्या है, स्टॉक के बारे में जानकारी कहाँ से मिलेगी, तो स्टॉक के बारे में जानने के लिए हमें सीधा सीधा कहाँ जाना है, हमें सीधा सीधा जाना है स्टॉक समरी पर। यहाँ पर नीचे आपको गेटवे ऑफ टैली, टैली की मेन मेन्यू पर नीचे दिखेगा ये स्टॉक समरी ऑप्शन, ये आपको स्टॉक समरी यहाँ पर दिख रहा होगा और यहाँ पर एस हाईलाइट है। तो आपको जिस भी मेन्यू में जाना है उसका पहला अक्षर आपको हाईलाइट मिलेगा। स्टॉक समरी में जाने के लिए आपको एस प्रेस करना है और एस प्रेस करते ही आप देखेंगे कि जो भी स्टॉक आपके सामने है, जैसे एसएसडी, तो एसएसडी का ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो भी स्टॉक है वो नजर आएगा। एक बार आप एंटर प्रेस करेंगे तो इनवर्ड और आउटवर्ड नजर आएगा। इनवर्ड यानी कि आप जब लाए तो खरीद करके कितना लाए, और आउटवर्ड यानी कि आपने जब बेचा तो कितना सामान बेचा। तो इसमें से बेचा तो गया ही नहीं है, केवल परचेज ही किया गया है। तो क्लोजिंग बैलेंस में आपका क्या दिखाएगा, जितना है इनवर्ड उतना ही आपका क्लोजिंग बैलेंस बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर सपोज कीजिए आपने सेल कर दिया, जैसे एक सेल की एंट्री करता हूं यहाँ पर देखिए, इससे पहले बाहर आते हैं और यहाँ पर दोबारा से उसी कंपनी को ओपन करता हूँ, डेबिट नोट की एंट्री कर लेते हैं। तो बी बटन प्रेस करके हम चले जाते हैं वाउचर में, और सेल्स वाउचर में जाने के लिए आपको F8 प्रेस करना है, और अब हम सेल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सपोज कीजिए कि हम एक डेटर पार्टी को सेल कर रहे हैं जिनका नाम है रितेश, ठीक है, ये हमारी डेटर पार्टी है। एंटर करेंगे और यहाँ सन्ड्री डेटर का ग्रुप चूज कर लेंगे। एस प्रेस करते ही सन्ड्री डेटर का ग्रुप हाईलाइट हो जाएगा और यहाँ पर आकर के एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लेना है। जब एक्सेप्ट कराएंगे तो फिर ये विंडो आएगी, एंटर करके इसे भी एक्सेप्ट करा लीजिएगा, यहाँ सेल्स अकाउंट आ जाएगा। और अब यहाँ पर SSD की बात करते हैं, तो ये SSD लगाया हमने, 5 SSD हम सेल कर रहे हैं। रेट क्या डाला है हमने, रेट यहाँ पे डाल दिया 4,500 रुपये, ठीक है, ये रेट डाल दिया हमने और एंटर कर दिया। बाकी यहाँ पर अगर GST इनेबल है तो GST भी लगा देंगे, तो ये CGST आ गया, देन यहाँ पर SGST आ गया, और इसको एंटर करके एक्सेप्ट करा लीजिए। तो ये एक्सेप्ट करा लिया। अब जब स्टॉक में देखेंगे तो परिवर्तन नजर आएगा, कैसे, यहाँ पे एस प्रेस करता हूँ स्टॉक समरी में जाने के लिए और एंटर कर देता हूँ। तो देखिए अब आपका क्लोजिंग बैलेंस घट गया है, यानी कि 5 आइटम सेल हो गया जिसकी वजह से आपका क्लोजिंग बैलेंस घट गया है। और इनवर्ड तो आपका सेम ही रहेगा क्योंकि 48 परचेस किया था और सेल कितना कर दिया, 5 कर दिया, तो 5 घट जाएगा 48 में से, तो कितना बचेगा, तो यहाँ पे 43 यहाँ पे आपको दिख ही रहा है। तो यही है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी कि ये इनवर्ड और आउटवर्ड क्या है, ठीक है।